नमस्कार, स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम आयुष मंत्रालय से जुड़े एक ऐसे विवाद की बात करेंगे जिसके कारण मंत्रालय के कामकाज की कलाई खुलती दिखी और मंत्रालय के कामकाज पर सवाल खड़ा हुआ। दरअसल आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को आयुष का नाम दिया जाता है और ऐसे में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इस मंत्रालय का गठन किया गया था। मंत्रालय का ध्येय है पारंपरिक और गैर एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देना और लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना। इस बाबत चिकित्सकों को परीक्षण भी दिया जाता है। आपको बता दें कि ऐसे में इन चिकित्सा प्रणालियों की दवाओं और इस पर शोध करके इन्हें और आगे बढ़ाने का काम किया जाता रहा है। मोदी सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल भी बनाए हैं जिससे कि उच्च श्रेणी के प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैयार की जा सके। लेकिन हाल ही में हुई घटना के कारण मंत्रालय का कामकाज कटघरे में खड़ा हुआ है। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब योग प्रशिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोजन ऑनलाइन सेमिनार में हिंदी ना बोलने वालों को बाहर जाने को कहा गया। ये बात आयुष सचिव राजेश कोटेचा ने की है और ऐसे में उसके बाद से ही बवंडर खड़ा हो गया। योग और प्राकृतिक चिकित्सक और BNYS मेडिकल कोर्स पढ़ने वाले हजारों छात्र पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया पर हैशटैग आपको बता दें कि सेक कोटेचा अभियान चला रहे हैं और आयुष मंत्रालय पर योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर नीम हकीमी फैलाने का आरोप लगा रही हैं। योग और प्राकृतिक चिकित्सकों का ये भी कहना है कि नीति आयोग, संसद की स्थायी समिति और CCIN की लगातार अनुशंसा के बावजूद आयुष मंत्रालय योग और प्राकृतिक चिकित्सा के कानूनी रेगुलेशन के खिलाफ अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। देश भर के योग और प्राकृतिक चिकित्सक इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। आज हम स्पेशल एडिशन में इस मसले पर तो बात करेंगे ही, साथ ही आयुष मंत्रालय किस तरह से गैर परंपरागत चिकित्सा को देश में लोकप्रिय बनाने की कोशिश में है ये भी जानेंगे और साथ ही मंत्रालय की कार्यप्रणाली और उससे जुड़े तमाम मसलों पर आज हम गौर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुष मंत्रालय विवादों में घिरता दिख रहा है। एक जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति की एक अमर्यादित टिप्पणी किस तरह परेशानियों को जन्म दे सकती है, ये बात तब सामने आई जब केंद्रीय आयुष सचिव राजेश कोटेचा की जुबान बेलगाम हुई। खबर है कि केंद्रीय आयुष सचिव राजेश कोटेचा ने योग प्रशिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोजित ऑनलाइन सेमिनार के दौरान तमिल डॉक्टरों से कहा कि अगर वे हिंदी नहीं जानते तो वे सेमिनार छोड़कर बाहर चले जाएं। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि वे अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं बोल सकते और केवल हिंदी में बोलेंगे। पिछले दो दिनों से ये हेलो चल रहा है। पिछले दो दिनों से वो जिनको इंग्लिश चाहिए वो लीव करें, जो आती नहीं है। आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तो मैं तो हिंदी बोलूंगा। वैद्य राजेश कोटेचा के इस बयान पर तलवारें खिंच गई है। योग और प्राकृतिक चिकित्सकों का ये भी कहना है कि नीति आयोग, संसद की स्थायी समिति और CCIM की लगातार अनुशंसा के बावजूद आयुष मंत्रालय योग और प्राकृतिक चिकित्सा के कानूनी रेगुलेशन के खिलाफ अड़ियल रवैये अपनाए हुए हैं। ऐसे समय पे योग और नेचुरोपैथी का मेडिकल रेगुलेशन का मांग थी और इस मांग को मान्यता करते हुए नीति आयोग और स्टैंडिंग कमिटी इन पार्लियामेंट फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर अपनी सिफारिश आयुष मंत्रालय को दे चुका है। इसके अलावा राज्यसभा में राज्यसभा का और लोकसभा का तमाम MP की सिफारिश के बावजूद आयुष मंत्रालय ने योग और नेचुरोपैथी को इस मेडिकल रेगुलेशन बिल के बाहर रखा है और आयुष मंत्रालय अब कहता है योग और नेचुरोपैथी को हम मंत्रालय के अंदर सर्टिफिकेशन के बोर्ड द्वारा किया जाएगा। सर्टिफिकेशन बोर्ड का मतलब पुराने व्यवस्था के तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना और जिन लोगों को मान्यता नहीं है, मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको अवसर देने का काम होने वाला है और ये काम सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खिलाफ है। मामला हिंदी गैर हिंदी भाषियों का भी बनता दिख रहा है। दक्षिण के प्रतिभागियों ने आयुष सचिव के बयान पर सख्त एतराज जताया है।
मामले ने सियासी तूल भी पकड़ा है। इस विवाद पर कनिमोझी ने ट्वीट कर कहा, ये बयान हिंदी को थोपे जाने जैसा है। सरकार को आयुष सचिव को निलंबित कर देना चाहिए। कार्तिक चिदम्बरम और शशि थरूर ने भी बयान पर आपत्ति जताई है। कमल हासन ने भी विरोध प्रकट किया है। वहीं मामले को बढ़ता देख वैद्य राजेश कोटेचा ने भी सफाई पेश की है। मैंने हमेशा एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी बातचीत में दोनों भाषाओं का उपयोग किया है। बैठक में कई बिन बुलाए प्रतिभागियों द्वारा गेट क्रैश किया गया था, जो मुझे अंग्रेजी में बोलने के लिए लगातार बेइज्जत कर रहे थे। मैंने विनम्रता पूर्वक बताया कि मैं अंग्रेजी में धारा प्रभाव नहीं हूं, लेकिन दोनों भाषाओं में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, और यदि वे पालन करने में असमर्थ हैं तो वे छोड़ सकते हैं। आयुष मंत्रालय के इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों से आए करीब 300 अतिथियों में 40 तमिलनाडु से हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि हालात को देखते हुए राजेश कोटेचा को राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में अनुवादकों की सेवा लेनी चाहिए थी। वहीं भाषा पर टिप्पणी ने आयुष मंत्रालय में व्याप्त गड़बड़ियों को उभारा है। अब आरोपों का दायरा बढ़ता ही दिख रहा है। नियमों से हटकर चलने के आरोप लगे हैं। नीम हकीमों को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। आयुष सचिव पर योग ट्रेनिंग के लिए सही मापदंड तय नहीं करने का आरोप लगा है। इन सब के साथ साथ हिंदी गैर हिंदी भाषाई विवाद एक गलती के कारण फिर से हरा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो हिंदी गैर हिंदी मामले पर अब बवंडर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले पर अपनी बात कहने के लिए आयुष सचिव राजेश कोटेचा ने क्या कुछ सफाई दी है, आइए सुनवाते हैं आपको। आई थिंक यू नो देयर इज अ मैनिपुलेशन पायल जी। मैनिपुलेशन इज दी सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज लाइक दिस दैट वी हैव अरेंज्ड अ नेशन वाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर योगा, एंड देयर वर 350 पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। देयर आर सम हूलिगन्स एंटर्ड इनटू दिस प्रोग्राम बाय शेयरिंग द लिंक्स एटसेट्रा। देयर वर 60-70 एक्स्ट्रा पीपल व्हिच दे वर नॉट एक्सपेक्टेड। एज सून एज आई स्टार्टेड स्पीकिंग दे स्टार्टेड डिस्टर्बिंग एंड देन दे स्टार्टेड शाउटिंग एंड देयर वाज सम मैनिपुलेशन। आई डोंट नो व्हाई but they just came in and they wanted to sabotage everything. So I said I am speaking in Hindi and English both, because from North Indian participant they said we want that you speak in Hindi. So I was getting messages from both the side. So these hooligans were continuously shouting, no, only English. I said I will speak in both languages, but they were not ready to listen. So this is like a kind of, you know, manipulation. If you see the entire video, because it is available in public domain, this is what I am telling is confirmed. But they are just sharing it only a portion where I was telling them that if you do not want to listen, then you know it is your choice, because I speak in both the languages, you know, and I actually did speak in both the languages. If you see the entire video, so I spoke in Hindi also and I repeated in English. आपको बता दें कि हिंदी और गैर हिंदी मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मंत्रालय से जुड़े एक ऐसे विवाद की आज हम बात करेंगे जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण मंत्रालय के कामकाज की कलाई खुलती दिखी है और मंत्रालय के कामकाज पर भी सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल आयुर्वेद, योग और प्रकृति चिकित्सा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी और आयुष के नाम से इन सभी को जाना जाता है, और ऐसे में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही इस मंत्रालय का गठन हुआ था। मंत्रालय का ध्येय है कि पारंपरिक और गैर एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली को और ज़्यादा बढ़ावा देना और लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना, और इस बाबत चिकित्सकों को प्रशिक्षण भी कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शर्मिला निवास जी जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता है तमिलनाडु योग और नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शर्मिला। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है IMYGMA के। बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश आपका भी। और साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब गड्डे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है IMYGMA के कर्नाटक चैप्टर के। बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर शर्मिला जी आपसे है, हालांकि
जो पूरा विवाद ये खड़ा हुआ है गैर हिंदी और हिंदी भाषी पर। हालांकि आयुष सचिव राजेश कोटेश ने इस पूरे मामले पर जरूर अपनी सफाई दे दी है, फिर भी उनके इस बयान को आप कैसे देखती हैं? नमस्ते, मैं डॉक्टर शर्मिला बोल रही हूँ। एक्चुअली जब वो मीटिंग चल रही थी, ही वाज लाइक ही वांटेड टू से एवरीथिंग इन हिंदी, सो देयर वर मोर पीपल ऑल ओवर इंडिया, देयर वर मोर पीपल हु वांटेड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड बेटर। तो जब अगर एक ही भाषा में बोलते जाने वाले लोगों को दूसरी भाषा समझ में नहीं आएगा ना, जब लाइक आई कैन अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ हिंदी बट नॉट एवरीबॉडी, नॉट नन ऑफ माय कलीग्स कैन अंडरस्टैंड, पूरा पूरा हिंदी नहीं जानते। But English, we learn in English right from childhood, and even medicines, all books are available only in English. So in that way, it will be easier for us to understand in English. Moreover, the main problem over here is when there are more health. This is concerned with the state of the health program. So in this such a health concern program, why did he ask for BNVS graduates who has studied for 5.5 years, and that was not in fact any 10th graduate or test graduate who is interested in teaching yoga, they were called upon, and that was called by the ministry themselves. Means they are ignoring the whole of yoga naturopathy system message. And repeatedly we have been requesting the central government, bill was also denied for including yoga naturopathy. Even BNVS community is not at all eligible in any way. They are just trying to implicate that thing in each and every place. So though Mr. Kasav Reddy, who is an excellent yoga teacher, but he cannot fit into the system. No, so health should be should be imparted to the patients, especially to the patients, only through doctors who are having the knowledge of conveying what is needed for them. Anybody cannot prescribe any medicine to any layman. Then layman and doctors will not have any difference. Then why was that call for given, not for us, especially BNVS graduates and just anybody who are interested in yoga naturopathy. So naturopathy is not at all included. Only yoga means like yoga is also included. But we are studying naturopathy for 5.5 years. ठीक है, यही हम बोलना चाहते थे। डॉक्टर शर्मिला बने रहिए हमारे साथ, डॉक्टर राजेश कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब गड्डे जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल मेरा डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी से है, क्योंकि आप ये भी कहा जा रहा है भले ही इस तरह के आरोप लग रहे हो राजेश कोटेचा पर, लेकिन उन्होंने ये अपनी सफाई में साफ तौर पर कहा है कि मुझे अंग्रेजी बोलने के लिए बेइज्जत किया जा रहा था, हालांकि मैं ऐसी लैंग्वेज में बात करना चाह रहा था हिंदी इंग्लिश मिलाकर, ताकि सभी लोगों को समझ में आ सके, लेकिन मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था। इसे किस तरह से आप देखते हैं? नो, वो ऐसे नहीं, राजेश जी से सवाल है जी। ओके युवा नेचुरोपैथी पढ़ने वाले जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, जो साढ़े 5 साल की डिग्री लेते हैं, उनको वो हर दिन बेइज्जत कर रहे हैं। इवन जो इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान जो मास्टर ट्रेनर का जो सिलेक्शन हुआ, उसमें इन लोगों ने कहा कि 12th पास जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जब देश भर में आपके कई हजार योगा नेचुरोपैथी फिजिशियंस अवेलेबल हैं जो 5.5 साल की एक मेडिकल डिग्री लेते हैं, 16 स्टेट्स में उनका मेडिकल रजिस्ट्रेशन है, लगभग 13 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये सारे मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं, मैक्सिमम ये मेडिकल कॉलेजेस किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी या हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलेटेड है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को ये बात पता नहीं है, क्योंकि पिछले 50 सालों से योगा और नेचुरोपैथी मेडिसिन का मेडिकल एजुकेशन चल रहा है। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, जब योग को या नेचुरोपैथी को जब आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को, तो आपको 350 लोग नहीं मिले जो योगा नेचुरोपैथी के मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं पूरे देश भर में। जब हमारे हम लगातार रिप्रेजेंटेशन इनको दे रहे हैं कि कई हजार हमारे ग्रेजुएट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इनको 350 लोग ऐसे मास्टर ट्रेनर हर डिस्ट्रिक्ट से नहीं मिले। तो पहली बात तो ये कि ये लगातार योगा नेचुरोपैथी कम्युनिटी को लगातार बेइज्जत करने की जो प्रक्रिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से चल रही है। अब जहां तक की बात है कि अगर आप कोई नेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें कई अहिंदी भाषी स्टेट्स हैं, जैसे कि तमिलनाडु उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है,
पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है, ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सब जगह पे बड़ी अच्छी हिंदी नहीं बोली जाती। तो वो लोग अगर डिमांड कर रहे थे कि ये प्रोग्राम जो है इंग्लिश में किया जाए, तो इसमें क्या बुराई थी? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो सब अंग्रेजी मीडियम में उनकी पढ़ाई होती है, मेडिकल कोर्सेज जो है वो बहुत बढ़िया से इंग्लिश बोल लेते हैं, तो वो हिंदी स्टेट्स के भी होते तो उनको इंग्लिश में दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आप साउथ इंडियन ग्रेजुएट्स को लेंगे अपने प्रोग्राम में और वहां पे सारी की सारी ट्रेनिंग आप हिंदी में दे रहे हैं, तो एक नेचुरल सी बात है कि उनकी डिमांड थी कि आप इसको इंग्लिश में कीजिए। अब दूसरी बात जो वहां पे हुई वो ये थी कि योगा और नेचुरोपैथी जो ग्रेजुएट्स उस प्रोग्राम में शामिल थे वो बार बार इस बात की डिमांड कर रहे थे कि योग और नेचुरोपैथी को आप सेपरेट क्यों कर रहे हैं, जब पिछले 50 सालों से इस देश में योग और नेचुरोपैथी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है जी। तो आप खाली योग को या केवल नेचुरोपैथी को ये जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? तो जब इन्होंने ये सवाल पूछना शुरू किया तो राजेश कोटेचा जी का जवाब ये था, उन्होंने धमकी भरा ये कहा कि जो है बसवरेड्डी जी आप जो है इनको आइडेंटिफाई कीजिए ये कौन से लोग हैं और हम इनके चीफ सेक्रेटरी को लिखेंगे, इन स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी को लिखेंगे और इनके खिलाफ जो है हम पनिशमेंट करेंगे। तो इस तरह का धमकी भरा जो बर्ताव था, जो अहंकार से भरा हुआ जो बर्ताव था, मुझे लगता है कि ये चीज जो है बहुत सारे लोग देख रहे थे। करीब करीब 450 आयुष सचिव खुद कह रहे हैं कि 450 लोग इस प्रोग्राम में शामिल थे। अब एक और बात थी इसमें कि ये प्रोग्राम वो कह रहे हैं कि जो है अनवांटेड लोग, अनऑथराइज लोग इस प्रोग्राम में शामिल हो गए। अब इस बात का जवाब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम का पूरा जो वेब लिंक था वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो है इन लोगों ने अपने फेसबुक पेज पे क्यों रिलीज किया? जब आपको किसी और को उस प्रोग्राम में शामिल नहीं करना था तो आप इनविटेशन क्यों भेज रहे थे, ओपन इनविटेशन? तो सिंपल सी बात ये थी कि पहले इन लोगों ने उसको इनवाइट किया, जब लोग उसमें शामिल हुए और लोगों ने अपनी बात रखी तो इस बात से उन्होंने, अब उनको लगा कि मैं तो आयुष सेक्रेटरी हूँ, मेरे को कैसे सवाल पूछा जा रहा है, जबकि वो लगातार वहां ये कहा जा रहा था कि हमें हिंदी नहीं समझ में आ रही है, आप प्लीज इसको इंग्लिश में कहें। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी इरिटेशन लैंग्वेज से ज्यादा इस बात की है कि योग और नेचुरोपैथी के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो डॉक्टर्स थे, कई स्टेट से इस प्रोग्राम में शामिल थे और इनकी इस पूरी की पूरी 3 दिन में आप 12th और 10th पास, जिसकी योगा में कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसको आप मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं। तो इस बात से जो गुस्सा था लोगों का, वो बार बार वो सवाल ये पूछ रहे थे आपसे कि आप योग और नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स की बजाय ऐसे लोगों को क्यों तरजीह दे रहे हैं जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है योग में। ठीक है डॉक्टर बाबा साहेब गड्डे जी, जिन बातों का जिक्र अभी डॉक्टर राजेश जी ने किया है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप उनकी बातों से? और एक बात का जिक्र उन्होंने और कहा कि क्योंकि 10th और 12th के पास जो मास्टर ट्रेनर उन्हें बनाया जा रहा है ऐसे लोगों को, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? और ऐसे में लगातार क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां राजेश कोटेचा आरोप ये लगा रहे हैं कि मुझे बेइज्जत किया जा रहा था, तो वहीं तमाम ग्रेजुएट्स ये आरोप लगा रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं हमारी ही बेइज्जती की जा रही थी। वाकई आपको क्या लगता है और कितना इत्तेफाक आप राजेश जी से की बातों से रखते हैं? जी नमस्ते। एंड ये अभी मुझे अनुवाद हिंदी में करना होगा या अंग्रेजी चलेगी? हिंदी में बोल सकते हैं आप, अगर जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसमें बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है। ये प्रोग्राम में गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से? जी नहीं, देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अभी तक, तो हम लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई जुड़ता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। चलिए सर, सबसे पहले तो मैं ये APN न्यूज को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये मुद्दा उठाया, और मेरे जो भी साथी कोलीग पैनलिस्ट हैं उन सभी को नमस्कार। मैं नो योर नेम मैडम, आपका शुभ नाम? हेलो जी मैडम, जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं। जी मैडम, देखिए मैं सिर्फ एक 5 पॉइंट्स इसमें रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात,
देखिए, प्रजाप्रभुत्व और डेमोक्रेसी का मेन जो फंडामेंटल है वो डिबेट एंड डिस्कोर्स है। इसमें आप डिबेट एंड डिस्कोर्स को ये नहीं कह सकते तो कोई मुझे सवाल नहीं पूछ सकता। मैंने वो वीडियो देखा, उसमें एक डॉक्टर ने कहा था कि योग तिरुपति के बारे में आपका क्या राय है, तो उनको रिप्लाई में ये मिला कि आपको जितना जल्दी हो सके हम नौकरी से निकाल देंगे। दैट वॉज द रिप्लाई गिवन बाई अवर ऑनरेबल सेक्रेटरी। उन्होंने किस परिपेक्ष में इसको कहा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। आपके माध्यम के तरफ से मैं पूरे देशवासियों से तीन सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल, आज पूरी दुनिया में भारत योग में विश्व गुरु माना जाता है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि योग भारत से निकला हुआ एक ऐसा तरीका है जो हर रिलीजन को टच करता है। दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस चीज में हमारी पकड़ है, जिस चीज में दुनिया हमको गुरु मानती है, क्या उस चीज में हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या इस चीज में हम अगर आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या जॉब क्रिएशंस नहीं होंगे? क्या इससे हमारे कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तीसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी चीज को जब यहाँ देश का प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, तो उस देश में क्या हम ये करना चाहते हैं कि एक जो वेल डेवलप्ड सिस्टम है, एक जो वेल डेवलप्ड कोर्स है जो प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, उसको ये लोग डिमोलिश करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले वन बाय वन पे आता हूँ। सबसे पहली बात BNYS, देखिए हमारे देश में पिछले 50 साल से मेडिकल कोर्स है, जैसे MBBS है, जैसे BAMS है, जैसे BHMS है, वैसे ही 5.5 years, 5.5 साल का एक कोर्स चल रहा है जिसका नाम है BNYS, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। करीब करीब 7,000 से 8,000 लोग इसके डॉक्टर्स इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी बात, ये सब का जड़ कहाँ से है? आप एक कॉलेज है धर्मस्थल में, उजरे में जी, जहाँ पे ये पहली बार शुरू हुआ, तो वहाँ के बहुत ही पद्मश्री हमारे पूरे देश में 40 कॉलेजेस हैं और 13 राज्यों में इसको मान्यता मिली है एज ए मेडिकल सिस्टम। इसको एक डॉक्टर की पढ़ाई की मान्यता मिली है। केवल तमिलनाडु से ही 15 कॉलेजेस चालू है। केवल तमिलनाडु में ही है। नहीं देखिए, ये मुद्दा यहीं पे नहीं है। मैं आपको जस्ट गिव मी एक मिनट, एक मुझे सिर्फ एक मिनट का टाइम दीजिए। इसमें हमारे देश के लिए बहुत इन सबसे बढ़कर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कवर अप किया जा रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा। हमारे कॉलेज से पद्मश्री वीरेंद्र हेगड़े जी ने प्रधानमंत्री जी से मिले और उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये सब कुछ इसमें डिफेक्ट हो रहा है, आप इसको कवर कीजिए। तो प्रधानमंत्री के ऑफिस से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को लेटर गया कि भाई योग और प्रकृति चिकित्सा, योगा एंड नेचुरोपैथी को आपने भारतीय वैद्यकीय परंपरा का जो बिल अधिनियम आ रहा है NCISM बिल 2019, उसमें क्यों नहीं मिलाया? तो राइटिंग में उनसे रिप्लाई आता है कि योगा एंड नेचुरोपैथी इज नॉट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आप कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानेंगे इसको? नहीं बिल्कुल, अगर इस तरह का जवाब आता है तो जाहिर तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। जाहिर तौर पे इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले पर सफाई भी दी थी कई की, लेकिन एक सवाल मेरा बहुत ज्यादा यहाँ पर अहम हो जाता है डॉक्टर बाबा साहेब गड्डे जी आपसे, ये है कि क्या उनके बयान से हिंदी गैर हिंदी भाषा का जो मसला है उभरा है, और क्या आपको लगता है कि ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इस तरह का मसला उछलना, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम जो धर्मों के लोग हैं वो रहते हैं, सभी की अपनी एक अलग भाषा है, और ऐसे में अगर इस तरह का मसला उभरता है तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? देखिए, मैं अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने वक्तव्य हिंदी भाषा में बात नहीं किया, या फिर वो अंग्रेजी में वो बोल नहीं पाए, उनके तरफ से संवाद में या डॉक्टर्स को कुछ उन्होंने बोला, ये सब के पीछे जो मेन वजह है, इसकी वजह है NCISM बिल 2019। ये जो बिल है आयुर्वेदा योगा होम्योपैथी इन सबको मिला के एक बिल बना रहे हैं जिसमें सारे आयुष मंत्रालय के जितने भी चिकित्सा पद्धति हैं वो एक बैनर में लाएंगे। इसमें से योग और प्रकृति चिकित्सा जो पद्धति है जिसके BNYS ग्रेजुएट्स देश भर में हैं, उनको अपने ही देश में मान्यता नहीं मिलेगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, BNYS के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको इस अधिनियम के अंदर वो अपने देश के अंदर मान्यता नहीं प्राप्त करेंगे।
और इसके लिए जब जवाब पूछा गया आयुष मंत्रालय से तो रिप्लाई यही आया कि योग और प्रकृति चिकित्सा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है उसका। सी व्हाट दे से इज दैट योगा एंड नेचुरोपैथी, द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर्स आर नॉट एज दैट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि योग और प्रकृति चिकित्सा जो है भारतीय वैद्य परंपरा के समान नहीं है। जब ये बयान आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, जबकि पूरी दुनिया भारत को योग में विश्वगुरु मानता है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू गवर्नमेंट से और हमारे हीरो हैं, हमारे जो लीडर हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि वो हमारी अपील को सुनेंगे। मुझे लगता है ये शायद थोड़े ऑफिशियल लेवल और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे थोड़ी बहुत खामियों की वजह से ये हुआ है, क्योंकि जो भी हमारी जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, दे आर प्रो इंडियन फिलोसफी और वो भारतीय परंपरा के अंदर ऊर्जा का प्रवाह चाहते हैं। ऐसी दिशा, ऐसे समय में आयुष मंत्रालय का ये कहना कि योग चिकित्सा भारतीय वैदिक परंपरा नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा विषय मैं बस एक और मिनट देता हूँ आपसे, दूसरा विषय मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, योग भारत में चार प्रकार से, एक तो योग हमारी परंपरा है, इसमें आप रामकृष्ण महर्षि लीजिए, रमण महर्षि ले लीजिए, कबीर दास ले लीजिए, विवेकानंद जी को ले लीजिए, अरबिंदो ले लीजिए, ओशो ले लीजिए, पतंजलि को ले लीजिए, ये हमारी परंपरा है जी। योग हमारी एक परंपरा है। आप हड़प्पा मोहनजोदारो में आप देखेंगे तो 2000 साल पहले एक कॉइन मिला है जिसके ऊपर पशुपतिनाथ मेडिटेशन में बैठे हैं। तो योग एक हमारी परंपरा है, हमें उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। दूसरा, योग एक फिजिकल ट्रेनिंग है, जैसे डांस है, कल्चर है ना, आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो आदमी हेल्दी है ना। अभी रामदेव बाबा जी हैं और हैं, इन्होंने सदगुरु जी हैं, ये इन्होंने योग को एक आध्यात्मिक मंच को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया है। ये योग उन लोगों के लिए है जो हेल्दी हैं और अपना स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं। BNYS की बात जब आती है तो हम एक ऐसे व्यक्ति को योग देने की बात कर रहे हैं जिसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसको एसिपेप्टिक डिसऑर्डर है, जिसका ऑपरेशन हो चुका है। तो योग को जब आप किसी बीमार व्यक्ति को देना चाहते हैं, मान के चलिए मेरा ऑपरेशन हो गया है और मेरे कमर में मुझे ऑपरेशन के बाद रॉड डाला गया है, एक पर्टिकुलर पोस्चर में नहीं कर सकता मैं फॉर, तो जब आप योग को चिकित्सा के रूप में लाते हैं तो चाहे वो कोई भी हो, बिल्कुल मैं हूं योग, कोई योग भी का हो, अपना एक अलग महत्व है जाहिर तौर पे, और योगा के लिए ही भारत को विश्व गुरु माना जाता है। बिल्कुल, इस मसले पर भी हम बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन जाहिर तौर पे क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर डॉक्टर शर्मिला निवास जी आपसे है, क्या दक्षिण में आयुष को उतना बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है? अगर मिल रहा होता तो दक्षिण वासियों में ये रोष क्यों है? कम अगेन, क्या आपको लगता है कि वाकई आयुष को इतना ज्यादा बढ़ावा साउथ में नहीं मिल पा रहा है? नहीं, अभी मिल रही है, अभी बोलिए जी, आपको आवाज मिल पा रही है शर्मिला जी? हाँ, मेरे को सुनाई दे रही है। आप, मेरा सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि दक्षिण में यानी कि साउथ में आयुष को उतना महत्व नहीं मिल पा रहा है जितना कि महत्व मिलना चाहिए? अगर इतना ज्यादा वहाँ पर तवज्जो दी जाती, अगर इतना ज्यादा महत्व मिल पाता तो दक्षिण वासियों में इतना रोष नहीं होता? बिल्कुल, क्यों, मैं ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि साउथ मतलब पूरे तमिलनाडु, केवल तमिलनाडु के बारे में नहीं बोलना चाह रही, पूरे कर्नाटका और आंध्रा में भी जी बहुत कॉलेजेस है जो नेचुरोपैथी और योगा को सिखाते हैं, और ये जानकारी उनको भी है जो सेक्रेटरी में बैठे हुए डॉक्टर बसवर रेड्डी जी और वो एडवाइजर जैसे बैठे और सेक्रेटरी वैद्य राजेश जी वो आयुर्वेदा फिजिशियन, तो वो आयुर्वेदिक के बारे में जानते हैं और सिर्फ उनके सिस्टम को प्रमोट करना चाहते हैं, वो नेचुरोपैथी योगा को इंक्लूड ही नहीं करना चाहते हैं। और आयुष मतलब आयुष में योगा नेचुरोपैथी सिस्टम तो वैसे ही अंडरस्टूड है, तो सिर्फ योगा को लेते हैं और नेचुरोपैथी को छोड़ रहे हैं वो लोग। और हमारी विनती ये है कि तमिलनाडु और पूरे साउथ स्पेशली तमिलनाडु के मोर देन 300 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड गवर्नमेंट सेंटर मतलब गवर्नमेंट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स लगे हुए जो BNYS ग्रेजुएट्स हैं, जो BNYS पूरी तरह से 5.5 साल तक कम्प्लीट किए हैं, और वो अपने कोविड पैंडेमिक सिचुएशन पे लगातार दिन भर काम कर रहे हैं। जो नॉर्मल डॉक्टर्स, इवन रेगुलर डॉक्टर्स जो उनको थोड़ा हिस्ट्री थी कि कोविड उनको भी आ जाएगी, कोरोना उनको भी आ जाएगी, लेकिन डॉक्टर्स हमारी तरफ से
नेचुरोपैथी डॉक्टर्स ने पूरी तरह से अपनी हिम्मत लगा के फील्ड पे जाके काम किया है, कोविड पेशेंट्स को अंदर जाके काम किया है, लेकिन इनके बारे में पूरे देश में जो बैठे हैं ना, जो अधिकार में बैठे हैं, एक बार भी हमारे स्टेट ऑफिशियल्स को फोन करके भी नहीं पूछा कि कैसे आप लोग ये कर रहे हैं, कैसे पैंडेमिक को योगा और नेचुरोपैथी में आप लोग कैसे, एक बार भी नहीं पूछा। और अभी परसों एक सेमिनार वेबिनार चल रहा था, इसमें भी वो बिना पूछे से बिना पूरी देश में जितने भी लोग है उनके साथ मिलाकर एक कॉन्सेप्ट लेना चाहिए, लेकिन वो उनके बारे में सोचती है। वो सिर्फ योगा आचार्य है, योगा आचार्य जनरल पब्लिक बिल्कुल। आयुष मंत्रालय का गठन ही इसलिए किया गया था ताकि आयुष मंत्रालय के जरिए नेचुरोपैथी और आयुर्वेद से जुड़ी हुई तमाम चीजों को आगे पहुंचाया जाए, योग को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि जो उम्मीदों के साथ या जिस उद्देश्य के साथ इस मंत्रालय का गठन किया गया था वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? सवाल मेरा डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी से है, क्योंकि राजेश जी, क्या आपको लगता है कि आयुष ट्रेनिंग में प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है? क्योंकि आयुष की ट्रेनिंग में मैट्रिक लेवल के प्रतिभागियों को भी बुलाया गया और इससे तैयार किए जाने वाले चिकित्सकों और ऐसे डॉक्टरों की कहीं ना कहीं और ऐसे ट्रेनरों की खेप पर सवाल खड़े हो रहे हैं जो कि मैट्रिक पास है, उन्हें भी अब इस ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है? जो आयुष की 5 रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है उसमें आयुर्वेद है, योग और नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, और रिसेंटली उसमें सुवा रिग्पा तिब्बतन मेडिसिन जोड़ी गई है। इन सब की जो बेसिक मेडिकल क्वालिफिकेशन है वो 5.5 साल की एक मेडिकल डिग्री है। योगा और नेचुरोपैथी में इसको बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज कहते हैं। अब जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि इनकी ऐसी क्या मंशा है आयुष सेक्रेटरी की, और इनके साथ एक एडवाइजर नियुक्त हुए हैं बसव रेड्डी जी, और ये जो बसव रेड्डी जी हैं इनकी अपनी कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आप जो ये वेबिनार की जो ट्रेनिंग जिसका जिक्र आया है उसको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा इसको कंडक्ट कर रही थी, और इसके जो डायरेक्टर बसव रेड्डी जी हैं वो खुद ही क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, योगा और नेचुरोपैथी में उनकी कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि ऐसे आदमी को जो खुद ही एक योगा इंस्ट्रक्टर है उसको आयुष मिनिस्ट्री के अंदर ऐसे पोजीशन पर कैसे दाखिला मिल गया? तो ये पता चला कि इनके पास बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट्स हैं जिसके आधार पर ये जो है आयुष मंत्रालय में डायरेक्टर पोजीशन पे आ गए। उसके बाद उनको राजेश कोटेचा जी ने खाली डायरेक्टर ही नहीं रखा बल्कि एक योग और नेचुरोपैथी का एडवाइजर पोजीशन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, उस पर उनको प्रमोट करके रखा हुआ है। तो बिल्कुल कई ऐसे मामले सामने आ रहे होंगे, लेकिन वाकई इन पर सवाल तो खड़ा होता ही है। लेकिन एक सवाल मेरा डॉक्टर बाबा साहेब गड्डे जी आपसे है, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि गलत ट्रेनिंग के कारण गैर जिम्मेदार ट्रेनर और डॉक्टरों की एक खेप जो तैयार होती जा रही है उससे झोला छाप डॉक्टर्स को बढ़ावा मिलता है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप उससे? पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ, मैं यही बात कहने वाला था आपसे। देखिए, योग एक परंपरा है, जैसे मैंने बताया कि गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ चलते आ रही है, उससे हमारी कोई दरकार नहीं है। योग एक फिजिकल ट्रेनिंग के नाते हो रही है, जैसे आप मान के चलिए योगा जैसे डांस है, जैसे मार्शल आर्ट है, कराटे है, वैसे योग को एक फिजिकल ट्रेनिंग बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जा रही है, एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग सिखाया जा रहा है, इसमें भी हमारी कोई दरकार नहीं है। पर योग को जब आप किसी बीमारी से जोड़ देते हैं तो ये आवश्यक बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे ऑर्डर्स हैं, 1994 में एक है जिसमें मैं बताता हूँ, 2014 में रिसेंट एक आया हुआ जिसमें क्लियरली कहते हैं कि कोई बीमार आदमी को आप चाहे योग की चिकित्सा दें, आयुर्वेद दें, MBBS या सर्जरी करें, आपको मिनिमम मेडिकल क्वालिफिकेशन उसमें होना चाहिए। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप फिर उनको एज ए डॉक्टर आप उनको हैंडल नहीं कर सकते। ये अब हमारी जो BNYS डॉक्टर्स की मांग है वो मांग ये है कि हमारी योग जो परंपरा है उससे हमारी कोई सरकार नहीं है,
और योग जो फिजिकल एजुकेशन हो रहा है उससे हमारी कोई सरकार नहीं है। योग को जब हम एक उच्च स्तर पे रिसर्च लेवल पे इसको ले जाना चाहते हैं उसमें डॉक्टर हैं तो BNYS के अलावा किसी और कोई सर्टिफिकेट ना दें। और सेंट्रल गवर्नमेंट में BNYS के लिए अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, जो कोर्स 13 स्टेट में चल रही है जिसके हजारों डॉक्टर्स कोविड में दिन रात काम कर रहे हैं उनको अपने देश में सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसके चलते क्या हो जाता है, कोई भी सर्टिफिकेट इशू करना चालू कर देता है। कॉमन मैन को ये मालूम नहीं होता है कि ये कौन सा डॉक्टर है, 2 महीने का डॉक्टर है, 3 महीने का डॉक्टर है, 8 महीने का डॉक्टर है। तो इसमें कोई यूनिवर्सिटी जब आयुष मंत्रालय उसको सर्टिफिकेट दे देता है तो एक आम आदमी की इसमें निष्ठाबंदी होती है कि भाई ये फलाने आदमी ने आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफिकेट दिखाया तो शायद वो डॉक्टर होगा, है ना। इससे जो है जो आम हमारी जो जनता है उसके स्वास्थ्य के साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है, खिलवाड़ हो रहा है उनके साथ। तो ये दायित्व बनता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का कि उनको एक रेगुलेशन में लाए और इनको इंसाफ दे। हम न्याय की मांग करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाइए। हमारी गवर्नमेंट में हमें पूरा यकीन है कि चलिए ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शर्मिला जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर बाबा साहेब गड्डे जी कर रहे थे कि 10वीं और 12वीं पास को अगर डॉक्टर की उपाधि दे दी जाती है और उनको ट्रेनिंग देकर उनको आगे बढ़ाया जाता है और ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि अगर वो लोगों का इलाज करते हैं तो ऐसे में अगर गलत इलाज होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या ये लोगों की जिंदगी के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ नहीं है? हाँ, हमेशा जिम्मेदारी डॉक्टर्स के ऊपर ही पड़ती है ना। जब भी जो भी गलती किसी से भी हो हमेशा जिम्मेदारी लास्ट डॉक्टर पर ही होती है। हमारे इधर सभी डॉक्टर से ही इलाज करवाते हैं, मतलब पूरे तमिलनाडु पे और कर्नाटका पे जो भी पढ़ाई होते हैं सिर्फ पढ़ाई के लोगों के एग्जाम में जाके ही इलाज करवाते हैं। लेकिन नॉर्थ में वैसे नहीं है, उधर तो कॉलेजेस अभी भी 2-3 कॉलेजेस शुरू हुए हैं मतलब योगा के लिए, लेकिन उधर तो सिर्फ ग्रेजुएट को डिग्री चाहते उतना भी लगा लेते हैं और बोलते थे कि हम एक एडवोकेट डॉक्टर का बोर्ड लगा के इलाज दे रहा है। तो ये ऐसे ऐसे काफी लोग हैं जो रॉन्ग गलती से इलाज कर देते हैं और लास्टली ट्रीटिंग इलाज दीजिए, बचा लीजिए अपने अपने लोगों को ऐसे बोलते हैं। तो ये सब तो मिनिस्ट्री को पता होना चाहिए ना, ये मिनिस्ट्री पर बैठे हुए दोनों डॉक्टर राजेश पिता और ये मिस्टर बसवरेड्डी जी, उनको जानकारी होना चाहिए कि ये आयुष मिशन है वो किस से जानकारी करके उनके लिए एक फॉर्मेट लगाना है और ये फॉर्मेट में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई लोगों को ही लेना है और ये पढ़ाई सिर्फ ऐसे वैसे पढ़ाई नहीं सिर्फ बीएनवाई ग्रेजुएट भी लेना है। वो उनको वो कम से कम वो जानकारी तो होना ही चाहिए, लेकिन उनके बारे में वो तो सोचती नहीं है। वही हमको बहुत तकलीफ हो रही है मन में, क्योंकि हम इतने लोग हैं, इतने ग्रेजुएट हर साल कम से कम 700 लोग सिर्फ तमिलनाडु से ग्रेजुएट होकर बाहर आए, तो भाई आप इंडिया में कितने लोग आएंगे ग्रेजुएट, लेकिन वो उनके बारे में तो सोचती नहीं। तो बोलते हैं कि कोई भी योगा के इंटरेस्ट है वो आगे ट्रीटमेंट कैसे हो, कैसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे एंटीबॉडीज डॉक्टर एबल टू परफॉर्म सर्जरी एंड ट्रीटमेंट। अभी अभी एक हमारे एक नोटिफिकेशन आया है कि आयुष डॉक्टर्स आर नॉट अलाउड टू प्रिस्क्राइब इन कोविड मेडिकेशन। तो ऐसे ऐसे दौरे पर बिल्कुल इन तमाम सवालों के बीच में सबसे अहम सवाल यही हो जाता है क्योंकि आयुष मंत्रालय का गठन इसलिए किया गया था ताकि इस चीज को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आयुष मंत्रालय के गठन के बाद ऐसे सवाल ये उठ जाता है कि कैसे सफल होगी आयुष मंत्रालय की मुहिम, जिस मुहिम पर चलने की बात लगातार प्रधानमंत्री करते हैं, जिस मुहिम के ऊपर चलने के लिए ही इस मंत्रालय का गठन हुआ था। यहाँ सवाल राजेश जी से मुझे पूछना है। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष मंत्रालय का गठन किया, इससे पहले ये मंत्रालय नहीं था, लेकिन इस मंत्रालय का उद्देश्य यही था कि जो नेचुरोपैथी है, योग से जुड़ी हुई जो इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, वो लोगों तक पहुंचे। एक बदलाव की बात की गई थी जो समाज में एक बदलाव आएगा, क्या वाकई आपको लगता है कि आयुष मंत्रालय के बनने के बाद से समाज में एक बेहतर बदलाव आया है, एक बेहतर संदेश लोगों को मिला है? देखिए, इसमें बहुत अच्छी भावना है प्रधानमंत्री की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ आयुष मंत्रालय का गठन किया बल्कि योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप जानती हैं कि पूरे दुनिया में लेके गए,
और इस समय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे दुनिया का एक सबसे सेलिब्रेटेड एक फेस्टिवल के तरह की चीज है जो आम जन तक पूरी दुनिया में योग को इतना पॉपुलैरिटी मिली है इसकी वजह से। उसी तरह से नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी सबका नेशनल डे घोषित किया गया और हर साल इसको मनाया जाना शुरू हुआ। तो प्रधानमंत्री की इच्छा जो है वो है कि आयुष को पॉपुलैरिटी मिले, आयुष को जन जन तक लेके जाया जाए। और जो आयुष के अधिकारी हैं, जो खासतौर से 2017 के बाद जो बड़ा चेंज हुआ वो ये हुआ कि 2017 तक आयुष मंत्रालय का जो सेक्रेटरी होता था वो एक आईएएस सेक्रेटरी होता था, भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक बंदा होता था जी। 2017 में मोदी जी ने राजेश कोटेचा जी को, जो आयुर्वेद के ग्रेजुएट हैं, एक वैद्य हैं, उनको जो है आयुष सेक्रेटरी बनाया। तो ये जाहिर सी बात है कि उनके बनने के बाद जो इच्छा सारे लोगों की, जो आशा जगी की जो है हमारा अपना आदमी जो है वहां पे सेक्रेटरी है। लेकिन हुआ 2017 के बाद जो इनकी मुहिम चल रही है वो ये है कि आयुष मंत्रालय के अंदर जितने भी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन आते हैं उन सबको वो डिसइंटीग्रेट करने पे, तहस नहस करने पे खुले। दिक्कत यहाँ पर यह है कि अगर आप सचिव ही खुद सारा अंग भंग करने में लगा हुआ है तो फिर बाकी का पूरा मंत्रालय किस तरह से काम करेगा। तो खाली शिकायत योग और प्राकृतिक चिकित्सकों को नहीं है इस आयुष मंत्रालय की इस कामकाज और जो आयुष सेक्रेटरी का जो रवैया है वो बहुत ही जबरदस्त एरोगेंट तरीके से काम करते हैं, कोई पूछताछ नहीं। अब जैसे कि हमारे बारे में अगर योग और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कोई पॉलिसी डिसीजन है तो आप योग और नेचुरोपैथी के जो एसोसिएशन है, जो उनके इंस्टीट्यूशन है, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात। काफी बेहतर काम किए हैं जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि काफी बदलाव भी इसके साथ ही हमने देखा भी है कि किस तरह के बदलाव देखने के लिए मिले हैं। इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, योग गुरु कहा जाता है भारत को, और ऐसे में जाहिर तौर पर इसमें और बदलाव किस तरह से किए जाए ताकि और बेहतर तरीके से हम आयुष मंत्रालय के जरिए बहुत कुछ सीख सके, या फिर यूं कहें कि योग को और आगे बढ़ावा दिया जा सके, नेचुरोपैथी को आगे बढ़ावा दिया जा सके। डॉक्टर बाबा साहब गड्डे जी, सवाल इस बात को लेकर है कि और क्या कुछ बेहतर इसमें किया जा सकता है आयुष मंत्रालय की तरफ से, कैसे इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है? जी, इस विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुष मंत्रालय का जो गठन हुआ है उस दिशा में हम, उन्होंने काफी सारी चीजें उन्होंने अप्रिशिएटिंग सराहना करने जैसे उनके बहुत सारे ऐसे एक्टिव काम किए हैं उन्होंने, जिसकी सराहना बिल्कुल करनी चाहिए जी। आगे यहाँ से जो है सबसे पहले ये करना चाहिए, NCISM का बिल जो अभी राज्यसभा में पारित हो चुका है और अभी लोकसभा में आने वाला है, उसके अंदर योग और नेचुरोपैथी और BNYS डॉक्टर्स को उसके अंदर शामिल करना चाहिए, उनको ऑल ओवर इंडिया रिकॉग्निशन देना चाहिए, तब जाके इसके अंदर ये नीट के अंदर ये लोग एग्जाम दे पाएंगे, इसके अंदर आगे रिसर्च कर पाएंगे, इसके अंदर आगे डेवलप कर पाएंगे। मान के चलिए एक ऐसा सिस्टम जिसमें भारत योग गुरु है, योग का गुरु है, उसमें एक सेंट्रल रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है पूरे देश में, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। तो मैं अपेक्षा, पूरी उम्मीद की, एंड APN न्यूज के साथ भी मेरी पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचेंगे और सरकार इसके बारे में एकदम सकारात्मक तरीके से इसको लेगी। और योग और नेचुरोपैथी के जितने BNYS ग्रेजुएट्स हैं, ये सब युवा लोग हैं, इन सभी के अंदर केंद्र सरकार के प्रति काफी श्रद्धा है, मोदी जी खुद योगी हैं। तो ये मेरी आशा है कि जो NCISM बिल जो लोकसभा में है उसके अंदर परिवर्तन आएगा, और उसके परिवर्तन के साथ BNYS के जितने डॉक्टर्स इंडिया में काम कर रहे हैं, ये ऑल ओवर इंडिया इनको रिकॉग्निशन मिलने के बाद अब BNYS डॉक्टर्स योग को हमारे जवानों को दे सकते हैं, हमारे फौजियों को दे सकते हैं, देश के बाहर इसका रिसर्च कर सकते हैं। जब इसकी मान्यता ही नहीं है तो सिस्टम बढ़ेगा कैसे? तो बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है NCISM बिल में BNYS डॉक्टर्स को मान्यता दी जाए। ठीक है डॉक्टर शर्मिला निवास जी, ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर शर्मिला निवास जी, सवाल इस बात को लेकर है कि कैसे सफल होगा आयुष भारत की मुहिम, इसको सफल करने के लिए और क्या कुछ बदलाव की जाने की आप बात करेंगी, या फिर आपको क्या लगता है किस तरह के बदलाव की अभी जरूरत है?
अभी अभी जो इधर चालू है उसके बारे में मैं पहले बोल चुकी हूँ, क्योंकि इधर हम लोगों ने एक प्रॉमिस किया है एक्चुअली वो तमिलनाडु से हम भी नेशनल इम्यूनिटी पाउडर देना शुरू किया है, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है ना उनके लिए इम्यूनिटी पाउडर देना शुरू किया है, प्राणायाम देना शुरू किया है और थोड़ा सा एक्सरसाइज जो उनके ब्लड काउंट को बढ़ाए जाए वैसे थोड़ा सा एक्सरसाइज में आओ भी एक्सरसाइज हो पा रहे हैं और उन्होंने आसमान से भी कॉम्प्लेक्स किया है। और अगर ये आयुष हमारे साथ मिलाकर करेंगे तो पूरे देश कोने कोने में जाके हर हर कोविड पेशेंट को कोरोना से लड़ाने के लिए उनको थोड़ा सा और ये होगा। और ये दिन हुए तो हम सभी लोग हमारे आपस में हम लोगों को सिंपल से अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आयुष मिशन तक होना चाहिए ना जो ये कॉमेंट कर रहे हैं। और ये और जानकारी इसमें है कि इसकी फंडिंग जो कोरोना की फंडिंग जो हो रही है वो नेशनल आयुष मिशन के ही हो रही है फंडिंग, और इसके द्वारा पर कई डॉक्टर्स जो आयुष में काम कर रहे हैं उनको एक एक महीने का सैलरी दे पाया था। तो वो फंडिंग अगर प्रॉपर तरह से की जा रही है, अगर ग्रेजुएट के द्वारा पर वो फंडिंग की जा रही है तो वो ठीक है, लेकिन कोई भी इंजेक्शन अगर करेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो इसके द्वारा सर हम बोलना चाह रहे हैं कि इस तरह से ग्रीन रेड ग्रेजुएट को ही कोरोना या किसी भी द्वार पर नियुक्त करेंगे, तो कोरोना को नहीं। अभी तो कोरोना के द्वार पर हमारे ऊपर एक थोड़ा सा लाइट खड़ा है, तो इसे इनसे यूज करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं वैसे। और दैट शुड बी रेगुलेटर ग्रीन रेड ग्रेजुएट के द्वार पर भी कंसिडर है बिल्कुल। तो जाहिर तौर पे ऐसी कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना चाहिए और उस मुहिम की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए जिस मुहिम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छेड़ा हुआ है, यानी कि आयुष मंत्रालय का गठन ही जाहिर तौर पे इसलिए हुआ था ताकि नेचुरोपैथी को या और योग को आगे बढ़ाया जाए और उस दिशा में भारत बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ स्पेशल एडिशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।